आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ अपनी अकोमोडेशन का टूर। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप कितना पे कर रहे हैं, कैसी प्लेस है, क्या है, किस तरह है, शेयरिंग में है, और क्या आप रिकमेंड करते हैं कि अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दो सूरत हाल है। अगर तो आप लोग बैंगर आ रहे हैं और आप बैंगर में ही स्टे करना चाहते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन बहुत बेस्ट है। आई वुड रिकमेंड कि आपको यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन लेनी चाहिए अगर आप बैंगलोर में स्टे करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बैंगलोर में स्टे नहीं करना चाहते देन यू डोंट हैव टू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि आपने अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की लेनी कैसी है। जब आपका एडमिशन हो जाए, आप फीस वगैरह दे चुके हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है गूगल पे और वहाँ पर लिखना है बैंगर हॉल्स। लिखेंगे तो आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, आपको रूम्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जो मैंने किया है, मैंने लिया है सेपरेट रूम विद शेयरिंग वॉशरूम एंड शेयरिंग किचन। बहुत सारी चीज़ें हैं, डिफरेंट वॉशरूम है, सेपरेट वॉशरूम एंड सेपरेट किचन भी आप ले सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितना ज़्यादा पे कर सकते हैं। तो सिंपली आपने वहाँ जाके रजिस्टर्ड करना है और रजिस्टर्ड करने के बाद कुछ ही अर्से बाद आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपने फाइनल इंडक्शन करके जब आप आएंगे तो ये रिसेप्शन के सामने आपको यहाँ से आपके रूम की मिल जाएगी। अब रूम की क्या होती है, रूम की इज़ द कार्ड। दिस कार्ड इज़ योर रूम की एंड योर बिल्डिंग की। अगर आपका ये गुम हो जाता है तो आप समझें कि सब कुछ आपका गुम हो गया है। तो अभी मैं हूँ बाहर। यह है जी रिसेप्शन, सिक्योरिटी यहाँ पर होती है, रिसेप्शन भी है और उसके अलावा यहाँ पर मेल बॉक्स है। आप अपनी कोई भी चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो यहाँ पर रिसीव होगी। मीन वाइल यहाँ पर जो है इधर नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उधर आपको जिम मिल जाएगा। बाकी सारी ये इधर कैफ़े है, ये और लॉन्ड्री भी इधर है, जिसको कहते हैं हम बारलोज कैफ़े एंड शॉप। सो दिस इज़ हेयर वी, हम यहाँ पर एंटर होंगे। ये हमारा कार्ड है और इसको हम यहाँ हमने लगाया और ये हमारा डोर हो गया ओपन। इस तरह से सामने है स्टोर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लीनर्स, कबर्स और सारी चीज़ें, और यहाँ पर है स्टेयर्स। सो पहले हम चलते हैं किचन में जो कि है लेफ्ट साइड। किचन इज सो ब्यूटिफुल। यहाँ पर आपको मिलेगी एक विंडो, खूबसूरत व्यू। व्यूज तो यहाँ पर चारों तरफ से बहुत खूबसूरत है ना, खूबसूरत व्यू। और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट्स हैं। जितने भी लोग बिल्डिंग में हैं सबके लिए जो है कैबिनेट्स डिवाइडेड हैं, उनके रूम नंबर जो है कैबिनेट्स के ऊपर मेंशन होते हैं, तो किसी भी किस्म का कोई मसला परेशानी नहीं होती। ये है फ्रिज, फ्रीजर्स, उसके अलावा यहाँ पर सारे स्टोव्स हैं, ओवन्स हैं, दिस इज सिंक, और इसके अलावा हमारे पास है दैट इज टोस्टर एंड कैटल टू मेक योर ब्रेकफास्ट वेरी इजीली। इसके बाद हम चलते हैं इधर, इधर है हमारे पास माइक्रोवेव। इसके अलावा ये, और ये एक खूबसूरत किचन का व्यू, और ये है हमारे पास लिविंग एरिया। खाना खा सकते हैं बैठ के और कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त तो असाइनमेंट्स चल रही हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं। और इधर भी हमारे पास एक खूबसूरत सा व्यू, कॉफ़ी पीते जाएं, बैठते जाएं। और ऑल अबाउट, और ये है हमारा किचन जो कि मेरी फेवरेट प्लेस है। तो ये फर्स्ट फ्लोर पे जब हम एंटर होंगे तो यहाँ पर दो रूम्स ये हैं विद वन वॉशरूम, और दो रूम ही इस साइड पे और एक वॉशरूम। हर फ्लोर पे जो है फोर रूम्स को मिलेंगे। नाउ बाय यूजिंग दिस कार्ड मैं रूम को करूँगा ओपन इस तरह से। यहाँ पर मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बड़ा मुझे रूम मिला, बिकॉज जो मैंने वीडियोज़ देखी थी उनमें रूम बहुत छोटा दिखाया था। अब जो रूम है आपको वन बेड मिल जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर हीटिंग सिस्टम है, आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे, यहाँ पर वर्क स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, स्टोरेज भी मिल जाएगी, यहाँ भी स्टोरेज है, डस्टबिन है। मीनवाइल बेड साइज़ इज़
प्रिटी मच गुड, और वहाँ पर कबर्ड भी काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर आपको हैंग करने के लिए भी चीज़ मिल जाएगी और बहुत सारी स्टोरेज बेड के नीचे भी अगर आप बहुत एक्स्ट्रा सामान लेके आने वाले हैं तो। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत व्यू, आई लव दिस व्यू, और मुझे इस रूम की सबसे प्यारी चीज़ ही ये व्यू लगता है। जब भी मुझे कुछ काम करना होता है तो मैं यहाँ बैठ के करता हूँ। वेरी वेरी गुड प्लेस। तो जनाब, रूम के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वॉशरूम, क्योंकि वॉशरूम भी बहुत ज़रूरी है। और ये वॉशरूम है 2 पर्सन के साथ, जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में मेंशन किया, फॉर 2 पर्सन एंड इट्स प्रिटी गुड फॉर 2। सो लेट मी हियर यू। सो दिस इज़ द वॉशरूम, शॉवर एरिया मिल जाएगा, उसके बाद आपको कमोड मिलेगा एंड देन यू फाइंड अ ब्यूटीफुल मिरर हियर, यहाँ पर आप हैंड वॉश और सब कुछ कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो लोटा लाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने भी यहाँ से आके लिया है। वैसे तो मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। तो जी, ये है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन आपने देख ली, रूम देख लिया, किचन देख लिया, सब कुछ देख लिया, और ये बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स मैंने देखा है। जस्ट 40-50 pounds का डिफरेंस है, अदरवाइज बहुत बुरे हालात में भी कुछ पर्सन रह रहे हैं और उनकी प्राइसेस बिल्कुल ऑलमोस्ट इतनी हैं। सो मैं पे कर रहा हूँ 103 pounds फॉर वीक, जो कि बनते हैं 412 फॉर मंथ। सो 412 में यहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा है, इंटरनेट पैकेज आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, नए आए हैं, तो आप सिर्फ 5GB या 10GB इंटरनेट ले लें, जो कि आपको मैप के लिए जस्ट उसकी ज़रूरत होगी। आपको जो है ज़्यादा इंटरनेट लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा है। इंटरनेट के अलावा तमाम के तमाम बिल्स की फैसिलिटीज़ भी हैं, आपको गैस, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी बिल पे नहीं करना, वो भी इंक्लूडेड है। ये थी जी आज की वीडियो, और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वो लोग मुझे, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो नहीं करते। जब फॉलो नहीं करते, आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो रिक्वेस्ट सेंटर में चले जाते हैं, और जिसका नोटिफिकेशन मुझे नहीं आता, और ना ही रिक्वेस्ट सेंटर के जितने भी लोग मैसेज करते हैं उसका किसी को भी नोटिफिकेशन जाता है। तो आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, इंस्टा का लिंक जो है या इंस्टा का यूज़र नेम यहाँ पर मैं डाल दूंगा वीडियो में, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए। मीनवाइल अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और बताइए कि आप लोग यूके कब आ रहे हैं, किस स्टेजेस पर आपका प्रोसेस चल रहा है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।